हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये है असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन या जेई या एसएससी फीटर पार्ट 6। तो इसमें भी क्वेश्चन होंगे कुछ मल्टीपल चॉइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 58 क्वेश्चन, डाई किस धातु की बनी होती है? सही जवाब है एक कास्ट स्टील की। 59 क्वेश्चन, देखिए स्प्लिट डाई का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? सही जवाब है सी जैसा। 60वां क्वेश्चन, वॉइस का प्रयोग किसके लिए होता है? सही जवाब है बी वॉइस, जाब को पकड़ने का यंत्र है, यानी जिस मटेरियल को आप बनाते हैं उसको पकड़ने को कहते हैं वॉइस। 61, ट्राइस की का क्या कार्य है? सही जवाब है डी उपयुक्त सभी, यानी ए जॉब के सरफेस को लेवल करने का, बी जॉब के साइड को लेवल करने का, और सी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने का। 62, आकृति के अनुसार विभाजित निम्नलिखित में से कौन से कैलिपर्स हैं? सही जवाब है डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। सही ए है आउटसाइड कैलिपर, बी जैनिंग कैलिपर, सी ट्रांसफर कैलिपर, तो सभी हैं। 63 क्वेश्चन, जैनिंग कैलिपर को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वो क्या है? सही जवाब है उपयुक्त सभी डी, यानी कि इसे कहते हैं ओड लैग कैलिपर भी कहते हैं, हर्मोफ्रॉइड कैलिपर भी कहते हैं, और लैग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहते हैं। 64 क्वेश्चन, सरफेस प्लेट का निम्नलिखित में क्या लाभ है? सही जवाब है डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। पहला है यानी ए, इससे किसी भी जॉब पे मार्किंग कर सकते हैं, बी जॉब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, सी जॉब के लेवल को चेक कर सकते हैं। 65 का, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पे किस आकार की शेप कटी होती है? सही जवाब है डी, यानी कि वी आकार की। 66 क्वेश्चन, स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को कार्य करते समय पक्का रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या है? सही जवाब है डी, यानी पंच। 67, जब कहीं किसी जॉब पे नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है ए नंबर पंच का। 68 क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? सही जवाब है ए कार्बन स्टील। 69 क्वेश्चन, कोई स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? सही जवाब है सी 2। 70 क्वेश्चन, टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? सही जवाब है ए जिम पामर। 71वां क्वेश्चन, किसी स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? सही जवाब है बी, यानी कि 20। 72 क्वेश्चन, किसी बैरल के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य है? सही जवाब है डी उपयुक्त सभी सत्य है, यानी इसके एक किनारे पर अंदर की ओर चूड़ी कटी होती है, दूसरा ये अंदर से खोखला होता है, सी इसके ऊपर डैटम लाइन के सहारे एक इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है। 73वां क्वेश्चन, माइक्रोमीटर किस रेंज तक मिलते हैं? सही जवाब है डी उपयुक्त सभी, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। 74 क्वेश्चन, किसी मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है? सही जवाब है बी 0.01 मिलीलीटर। 75वां क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच कितने mm होती है? सही जवाब है ए 0.5। 76वां क्वेश्चन, एक्सटेंशन रोड किसका बना होता है? सही जवाब है बी इस्पात। 77वां क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं? और सही जवाब है सी 0.0001। 78वां क्वेश्चन, हब माइक्रोमीटर निम्न में किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? सही जवाब है सी ए और बी दोनों, पहला है ब्रिटिश, दूसरा है मेट्रिक। 79, स्नैप गेज में क्या अंकित होता है? सही जवाब है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी नोट गो और गो भी होता है। 80वां क्वेश्चन, थ्रेड्स के निम्नलिखित में कौन से प्रकार हैं? सही जवाब है सी ए और बी दोनों, यानी इंटरनल थ्रेड्स भी होते हैं और एक्सटर्नल थ्रेड्स भी। 81वां क्वेश्चन, राड को थ्रेड्स में बाहर का जो डाया होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ए, यानी कि मेजर डाया। 82वां क्वेश्चन, जहाँ पर थ्रेड्स की दोनों साइड नीचे की ओर आकर मिलती है वो क्या है? सही जवाब है डी रूट। 83 क्वेश्चन, किसी थ्रेड का ऊपरी भाग टैप का आकार कैसा होता है? सही जवाब है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी वर्गाकार भी हो सकता है और गोल भी हो सकता है। 84 क्वेश्चन, किसी थ्रेड के रूट एवं क्रेस्ट के मिलने से जो रेखा बनती है वो क्या कहलाती है? सही जवाब है बी फ्लैंक। 85वां क्वेश्चन, देखिए नकल थ्रेड किसका आकार होता है? सही जवाब है सी अर्ध गोलाकार। 86वां क्वेश्चन, किसी एक्समी थ्रेड का एंगल कितने कोण का होता है? सही जवाब है 29 डिग्री का। 87वां देखिए पूछा है निम्नलिखित में से किसका सूत्र है, यानी कोण होगा अगर 0 डिग्री, डेप्थ होगा 0.5 गुना पिच,
और रेडियन होगा बराबर है पिच डिवाइडेड 4। तो ये सूत्र किसका होगा? सही जवाब है बी, नकल थ्रेड का। 88वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सूत्र होगा यदि कोण होगा बराबर 55 डिग्री, डेप्थ होगा 0.6403 इंटू पिच और रेडियन होगा बराबर 0.317 इंटू पिच। तो ये होगा डीएसपी थ्रेड का सूत्र। 89 है, रिवेट किस धातु का बना होता है? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी का, रिवेट यानी जोड़। ये माइल्ड स्टील का भी होता है, रोट आयरन का और तांबे का भी। 90 क्वेश्चन देखिए, किसी रिवेट का मुख्य भाग क्या है? सही जवाब है सभी यानी हेड, टेल, बॉडी। 91 है, रिवेटिंग कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ए यानी दो तरह के होते हैं। 92 क्वेश्चन, बोल्ट किस आकार का होता है? सही जवाब है सी, ए और बी दोनों यानी षष्ठकोण और वर्गाकार भी होते हैं। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है? सही जवाब है ए, रैग बोल्ट। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो ड्राइंग से रिलेटेड भी हैं, जो आपने डिप्लोमे या ITI में किए होंगे। 94 क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ गियर के लिए सही कथन क्या है? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी यानी सीरीज में दो या दो से अधिक गियर होते हैं, इसके टीथ आपस में मिलते हैं, इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। 95 क्वेश्चन, स्ट्रेट स्कार्टर कैसा होता है? सही जवाब है ए, आकृति में सीधा। 96 क्वेश्चन, किसी पुली ड्राइव की निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं यानी स्लिपेज का भय रहता है, ये कम लोड उठाती है, ये जगह ज़्यादा घेरती है। 97 क्वेश्चन देखिए, गियर ड्राइव के निम्नलिखित में कौन कौन से लाभ हैं? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं यानी स्लिप नहीं होता है, अधिक स्पीड पर कार्य करता है और जल्दी पकड़ता है। 98 क्वेश्चन, किसी बियरिंग का क्या कार्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब है ए, ये स्पोर्टिंग पीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। 99 क्वेश्चन, माल को काटने का काम कौन करता है? सही जवाब है डी, स्क्रैपिंग। 94 क्वेश्चन, ट्रेन ऑफ गियर के लिए सही कथन क्या है? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी यानी सीरीज में दो या दो से अधिक गियर होते हैं, इसके टीथ आपस में मिलते हैं, इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। 95 क्वेश्चन, स्ट्रेट स्कार्टर कैसा होता है? सही जवाब है ए, आकृति में सीधा। 96 क्वेश्चन, किसी पुली ड्राइव की निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं यानी स्लिपेज का भय रहता है, ये कम लोड उठाती है, ये जगह ज़्यादा घेरती है। 97 क्वेश्चन देखिए, गियर ड्राइव के निम्नलिखित में कौन कौन से लाभ हैं? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं यानी स्लिप नहीं होता है, अधिक स्पीड पर कार्य करता है और जल्दी पकड़ता है। 98 क्वेश्चन, किसी बियरिंग का क्या कार्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब है ए, ये स्पोर्टिंग पीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। 99 क्वेश्चन, माल को काटने का काम कौन करता है? सही जवाब है डी, स्क्रैपिंग। 108 क्वेश्चन, मैंगनीज स्टील में मैंगनीज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सही जवाब है सी, 12%। 109, वेल्डिंग में सबसे अधिक कौन सी मशीन उपयोगी होती है? सही जवाब है सी, मोटर जनरेटर सेट। 110 क्वेश्चन, स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? और सही जवाब है इसका बी, कार्बन स्टील। तो ये था फीटर पार्ट 6। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी समझ आए होंगे तो कम से कम आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को देखने से भी बहुत फ़ायदा रहता है, पता चल जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करने की ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर जाके बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं और हमारी वीडियो को और बच्चों तक शेयर कर सकते हैं ताकि जो जानकारी है वो बढ़ सके।